अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। घासी बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद, नाजिया नामी एक खातून का कहना यह है कि इनकी शादी मोहम्मद अमजद अली से 26 अप्रैल 2018 को हुई थी और इनको एक लड़का भी है। नाजिया फातिमा का कहना यह है कि शादी के 3 महीने के बाद ही इनके शौहर इन्हें अपने घर वापस भेज दिया और दहेज का मुतालबा करने लगे। ये नाजिया फातिमा का कहना है और इन्हें हरासमेंट किया जा रहा है। नाजरीन, यहाँ पर हकीकत क्या है ये पुलिस जानती है। हमने नाजिया की ज़ुबानी जो था हमने ये दिखाया है, लेकिन हकीकत क्या है ये तहकीकात करे और पुलिस इस लड़की को, अगर इसका शौहर गलत है तो उसे इंसाफ दिलाए, वरना आए दिन कई लड़कियां खुदकुशी करते रहेंगी, कभी सास के हरासमेंट से, कभी शौहर के हरासमेंट, मजीद दहेज के लिए। आखिर कब तक ये लड़कियां खुदकुशी करते रहेंगी? इस लड़की को इंसाफ चाहिए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। बोलो बाप को, बोलो उसके प्लानिंग करके बात करें, अम्मा से बहन से। फिर मैंने बात करा ना फिर बच्ची के साथ? कैसे बीवी के साथ एक्टिंग करती थी? झूठी एक्टिंग करेगा तो मेरे घर में क्या हो रहा मालूम करने के वास्ते? शर्म पकड़ना ऐसा करने के लिए? शर्म में सामने आके ले तो पूरी वीडियो इसको बुला के बोलो मैं जाऊंगी। मैं अब मालूम कर लिए बहुत बर्दाश्त करी मैं। मेरे मेरे बच्चे का हक होना बोलो। फोन करता हूँ के पहलवान को, फोन करो बैठना है। सब ऊपर से उसके लिए बोल रहा सर। हाँ बैठ के वो सामने को सीधा इज्जत से खानदान में बैठ गया काम उसी से बात कर दिया खत्म करेंगे। मगर नहीं नहीं समझते आप लोग लैंग्वेज। सीधी बात कर रहे, सीधी बात कर, सीधी बात कर रहे। क्या कर लेता? हाँ बाहर आ, अरे बाहर आ जाओ मेरा नाम नादिया फातिमा है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद अमजद अली है, ये उनकी दुकान है अफजल एम्ब्रॉयडरीज। मेरी शादी अप्रैल में हुई थी, 26 अप्रैल 2018 में। 3 महीने रही मैं उनके घर पे, बस उसके बाद मेरे को भेज डाले मेरे घर को। डाउरी लव बल्कि जो सो हैरेस करते थे, हर रोज जो सो सताते थे, रुलाते थे, मारते थे, फिर भी बर्दाश्त करके रह रही थी मैं। आखिरी में जो सब मेरे माँ बाप को बुला के भेज डाले मेरे घर पे। उसके बाद से उनका आता है ना पता है, आराम से बैठे हुए रहते दुकान पे, 1 रुपए के रवादार नहीं है। बेटा कैसा पैदा हुआ, कैसा जी रहा, उन्हें क्या खा रहा, क्या पहन रहा, कुछ नहीं है उनको।
बस मस्त जिंदगी गुजार रहे। कैसी बीवी कैसी है, 3 महीने पहले नोटिस भेज डाले घर को, मैं समझी चलो भाई सही हो जाते सुधर जाते, इंतजार करी मैं अब अच्छे होते जब अच्छे होते, कोशिश करी बात तक करी थी उनकी फेसबुक सोशल मीडिया पे उनकी आईडी फाइंड करके उनकी जो सब उनसे बात करी थी, नेमल हुए जैसा घर पे तो उन वो एक्टिंग से कर रहे थे, कहते बहन से अम्मा से जो सब बात करके सब पूरे बोल रहे थे बात, क्या बोल दो मैं क्या करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन निकालने कर रहे थे कहते वो। आप कंप्लेंट करें जी? हाँ मैं कंप्लेंट करी घासी बाजार पीएस में, कुछ भी नहीं हो। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब मेरे को मेरे बेटे का मेरा हक होना है बस। कहाँ पर रहते हैं? वो लोग यहाँ शाली मंडे पे रहते, उन लोगों का किराए का मकान है और के बारादरी में। अभी आप यहाँ पर कब यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं जो सो मेरे शोहर से हक लेने आई मेरे बेटे का, 1.5 साल से बर्दाश्त करी अब सही जब सही, मगर मेरे बेटे का कुछ नहीं, उन लोगों को दर्दिश नहीं है, इतने मैसेज आ फोन आ कर करके थक गई मैं, आखिरी में मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा कि मैं आके दुकान पे बैठ जाऊँ, और मैं यहाँ बैठने वाली हूँ जब तक मेरे बेटे का मेरा हक नहीं मिलेगा यहीं बैठूंगी मैं बस। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज, हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज़।